वीकेंड के वार के शिकार इस बार हुई है निगार। निगार बाहर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है और मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काफ़ी छोटी ट्रिप पर गई थी ऐसा लग रहा था, मतलब काफ़ी जैसे गई वैसे ही वापस भी आ गई आप। थैंक यू, ये कहना कि मैं जैसी गई वापस वैसे ही आ गई, क्योंकि मैं बहुत इज्जत से गई थी एंड आई होप मैं बहुत ज़्यादा इज्जत से वापस आई हूँ। कोई भी चीज़ की एक जो लेंथ होती है आपके सफ़र की, वो ये नहीं मायने रखती कि वो कितना लंबा है या कितना छोटा है, ये मायने रखता है कि उस सफ़र में आपने क्या पाया और क्या खोया। तो मैं इतना कहूँगी, भले ही छोटी थी लेकिन मैंने बहुत प्यार और बहुत इज्जत पाया है इस जर्नी से। तो ये छोटी सी जो जर्नी थी उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब बिग बॉस का घर कैसा रास आया निगार को? हाँ, बहुत मेरे पेशेंस को मुझे टेस्ट करना पड़ा। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाया है कि आज जो मैं इंसान बनी हूँ, वो सारे क्वालिटीज़ के ऊपर मैंने खुद अपने आप को टेस्ट किया है। बहुत लोगों ने कोशिश की कि मैं अपना आप इसे बाहर हूँ या फिर मैं उस लेवल पे जाऊँ जो वो चाहते थे। मैंने उस चीज़ के ऊपर आई हूँ मैं, आई थिंक, और इट वाज समथिंग कि मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए दिल से की कही हुई बात और की गई बात बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, और मुझे लगता है वो जगह अच्छे साफ दिल वालों के लिए नहीं है। वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत है, इट्स अ बुचर हाउस, आप सभी एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं ताकि वो सीढ़ी चढ़ सकें। तो क्या लगता है वहाँ पर कौन इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से निभा पा रहा है, खेल रहा है? कुछ लोग हैं P3G, द एंटायर गैंग, स्पेशली पुनीत एंड गौतम, आई थिंक ये दो जो लोग हैं शक्ल पे बड़ा स्माइल करते हैं और ऑडियंस को बड़ा प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ऑडियंस उन्हें ज़्यादा पसंद करेगी अगर वो अपने असली सेल्फ को कंटेस्टेंट के सामने लाए, ये नहीं कि कैमरा के सामने, क्योंकि ऑडियंस तो वैसे भी उनकी असलियत देख रही है, लेकिन ये ज़रूरी है जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उन्हें उनकी असलियत दिखाएं, क्योंकि अगर आप अपने घर वालों के साथ ईमानदारी नहीं कर सकते तो ऑडियंस तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब बिग बॉस के घर में हमेशा कंट्रोवर्सी ही काम आती है, ये कहेंगे? बिग बॉस के घर में कंट्रोवर्सी काम आती है ज़रूर, उन लोगों के लिए जो वहाँ पर टिकना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन जिन्हें डर नहीं है कुछ खोने का, ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं खोई हूँ, 50 लाख इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे लिए मेरी एक पर्सनैलिटी, मेरा जो एक अस्तित्व है वो ज़्यादा मायने रखता है, एंड आई थिंक अगर आप वो भी लेकर वापस आ जाओ तो वो ही एक बहुत बड़ी जीत है। तो सलमान के साथ का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? सलमान इज़ अडोरेबल, मैंने उन्हें आई थिंक मेरे 2 सैटरडेज में उनसे बैठ के बातें करी हूँ और सुनी हूँ ज़्यादा। वो इतने फेयर होस्ट हैं, कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ पर जो सलमान उन्हें मजाक में एडवाइस देते हैं, लेकिन वो लोग पता नहीं क्या है, इग्नोरेंट हैं क्या, डम है, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो उनके एडवाइसेस को लेते नहीं हैं अच्छे से, वो यही समझते हैं कि सलमान मजाक कर रहे हैं, ये नहीं समझते कि सलमान एक्चुअली उन्हें बाहर की दुनिया का एक पिक्चर दिखा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप गलत जा रहे हैं, आप अगर सुधर जाओ तो आपके लिए बेहतर होगा। पहले सैटरडे तो मैं यही देख रही थी कि कितने एडवाइसेस उन्होंने दिए, नेक्स्ट सैटरडे जब मेरे पर बात आई उन्होंने मेरे साथ बहुत ही तहजीब से बात की और मेरे हर ओपिनियन को अच्छे से सुना। ये क्यों नहीं हुआ कि सलमान ने मेरी कोई भी खिली उड़ाई, कुछ तो बात होगी कि मैंने उन्हें सही जवाब दिया या व्हाटएवर, तो आई थिंक वो जानते हैं किस कंटेस्टेंट को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने ये क्या 6ठा सीज़न है उनका, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, और वो जानते हैं कि जो सही है उसके साथ कैसे टिकना चाहिए। चलो बिग बॉस से घर से बाहर निकल के गौहर से आप मिली, तो गौहर का क्या रिएक्शन था? मैं अब तक गौहर से नहीं मिली हूँ, गौहर गोवा में है किसी शो के लिए, तो वो कल आएंगी, बट जो भी मेरी बात हुई है शी ओनली सेड ऑन द फोन, निक्स मेरी बहन, यू आर वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आप अच्छा हुआ कि आप निकल गई, क्योंकि वो जगह हमारे तुम्हारे लिए नहीं बनी, बिकॉज गौहर मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो जानती है कि वो मैं मेंटली इतना बोलते हैं ना, मैं प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती, मैं जो सामने दिख जाती हूँ, तो उसने सिर्फ यही कहा कि आप इज्जत से गई हो और आप इज्जत से बाहर आई हो, दैट इटसेल्फ इज ग्रेट। तो आप किसे वहाँ बिग बॉस का विनर देखना चाहती है? आपको मैं आप देखना चाहूँगी डेफिनेटली उपेन, क्योंकि इस वक्त आर्या होते तो मैं आर्या का भी नाम लेती, लेकिन इस वक्त जो जितने भी लोग हैं साफ दिल के अगर आप कहें तो वो उपेन है।
फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आगे क्या रियलिटीज करेंगी या फिर फिक्शन फिर से? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है कि टेक ईच डे एज इट कम्स. मैं अभी बाहर आई हूँ और अभी मुझे होश आया है कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ऊपर वाले के करम से, तो मैं उसे थोड़ा एंजॉय करूँगी. आगे के प्रोजेक्ट्स अभी तक मेरा कुछ ख्याल नहीं है, तो आई थिंक फिर से मैं थोड़ा टाइम लूँगी और करूँगी तो कुछ अच्छा ही करूँगी. चलिए, जाते जाते अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई लव यू ऑल. बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने थोड़े बहुत ट्वीट्स पढ़े और मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे 13 साल की एक्टिंग करियर में मुझे जितना प्यार आप लोग ने दिया है उसके लिए थैंक यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया. दुनिया भले कोई कुछ भी कहे कि ऑडियंस ने आपको वोट दिया कि नहीं दिया, बोलते ना हर चीज़ में आपकी भलाई है, मेरी इसी में भलाई थी कि आप लोगों ने मुझे उस घर से निकाल दिया. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. कैमरामैन पुनीत के साथ हूं मैं फॉर टेली मसाला. Hi, this is Nigar Khan and you're watching Telly Masala.